चंडीघाट के पुल कहाँ था। 10 मिनट का रास्ता और पहुँचाया है पूरे आधे घंटे में। यहाँ से लूंगी मैं टैक्सी। और गाइस हाँ, आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, सॉरी मैं भूल गई थी। और बस अभी मैं पहुँच चुकी हूँ। मैं नहीं जा रही ना कि वहाँ पे बच्चे अकेले अकेले दिवाली मनाए, तो बस मैं सुबह सुबह आ गई थी और अभी बज गए हैं 8:30 और जल्दी से बस टैक्सी लेनी है, बच्चों के पास पहुँच जाना है फटाफट से। बस मैं जा रही हूँ। और गाइस विशु को मैं दूध पिला के आई थी, नानी है उसके साथ। बस अब जल्दी से बच्चों के पास पहुंच जाऊंगी और उनको लेके। बच्चे अकेले रहते हैं गाइस, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे पता नहीं बच्चों से इतना प्यार क्यों हो गया है। मुझे बच्चे सच्ची में बहुत अच्छे लगते हैं और वो बच्चे तो इतने प्यारे हैं। तो मैं उनको लेने जा रही हूँ जल्दी जल्दी से। बस पता क्या है, ज़्यादा टाइम इनमें ये ऑटो वगैरह में लगता है, स्कूटी से आती तो इतना टाइम नहीं लगता। चलती हूँ जी। गाइस आप मेरे पीछे देख सकते हो गंगा जी अभी भी सूखी हुई है। ये देखो, दिखाई दे रही है ना, सूख रखी है। ये है ललतारा पुल। मैं आगे आ गई हूँ, ये पुल है चंडीघाट का पुल आगे है, ये उससे और एक पुल है पहले पड़ता है। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ, आप देख सकते हैं गंगा जी सूखी हुई है अभी। वो बताया था मैंने आपको सफाई चल रही है, इसलिए कल है बड़ी दिवाली, आज है छोटी दिवाली। और आए हाँ, आप लोग अच्छे से दिवाली मना रहे होंगे। बस मैं बच्चों के पास अभी जा रही हूँ, बस मैं जल्दी से पहुँच जाऊँ, कोई ट्रैफिक ना आए बीच में। गाइस स्कूटी से ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती मेरे को ना, मेरे को अपना ध्यान भी रखना है ना इसलिए। बस गाइस मैं बैठ चुकी हूँ और अभी शायद से 5 या 10 मिनट में गाड़ी चलेगी। हाँ, 2 सीटें और हैं, 2 सीटें जब बैठा देंगे टैक्सी में, टैक्सी मतलब फुल होके ही चलती है, वैसे नहीं चलती है, चाहे कोई कितना भी जल्दी में हो पूरी सीट होके तभी जाएगी। और मैं बैठ चुकी हूँ यहाँ पे, ये 2 सीटें आप मेरे बगल में देख रहे हो। जब 2 जने और आ जाएंगे तो उसके बाद गाड़ी चलेगी, तो वेट करते हैं। मैं सबसे जल्दी वाली में बैठी हूँ, जो ऑलरेडी पहले से फुल थी उसमें मैं बैठ गई हूँ ताकि मैं जल्दी से पहुँच जाऊँ। गाइस कभी कभी जितना भी जल्दी करो ना उतना क्या होता है, लेट ही हो जाता है। आप देख रहे हो गाड़ी की पंचर हो गया है और अभी वो चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं, पंचर हो गया है अभी वो ठीक कर रहे हैं, उसके बाद हम चलेंगे। शायद से 10 मिनट लग जाएंगे। बस जल्दी जल्दी में ऐसा ही होता है कभी कभी, ज़्यादा जल्दी भी अच्छी नहीं होती है। तो बस सभी लोग गाड़ी से नीचे उतर गए हैं, आप देख सकते हो मेरे पीछे। बस अभी वो ठीक हो जाएगा, उसके बाद हम सब लोग चलेंगे। यहाँ पे सब लोग उतर गए थे। मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ और अभी आया था अश्विन जी का फोन, वो बोल रहे थे कहाँ हैं, तो मैंने बोला मैं विशु के लिए दूध लेने आई हूँ। और अभी गाड़ी ठीक हो रही है, आप देख रहे हो उधर। और हाँ, उन्होंने फोन इसलिए किया था क्योंकि विशु का जो केक है ना उसका ऑर्डर देना था रात में। मैं जब गई थी सामान लेने के लिए धनतेरस की पूजा के लिए, तो क्या हुआ था समझ में नहीं आ रहा था मेरे को। मैंने सोचा था एक बार घर में मैं पता कर लूंगी कि कैसे बनाना है क्या बनाना है, पर वो याद ही नहीं रहा। बट अभी उनका फोन आया था कि ऑर्डर दे दो, तो अभी मैं यहीं पे कॉल कर लेती हूँ, ये टाइम सही है। अभी वो अपना टायर भी चेंज कर रहे हैं और मैं कॉल कर लेती हूँ। चलो अभी बैठ जाते हैं गाड़ी में। हो गया बैठ जाए।
तो गाइस मैं पहुंच चुकी हूं कोटद्वार और बस अभी देखना है बच्चों का रिएक्शन कैसा होता है अपनी मासी को देख के। बस अभी मैं जा रही हूँ। आपको पता है गाइस हर एक इंसान से कुछ ना कुछ चीज सीखने को मिलती है। मुझे भी मेरे हब्बी से मिली है। वो कितना भी सफर कर लें वो थकते नहीं है बिल्कुल भी। तो आज मैं उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रही हूँ कि मैं भी नहीं थकूंगी अपने हब्बी की तरह। वो मतलब बहुत एक्टिव रहते हैं हमेशा ना, तो आज मैं भी उन्हीं की तरह बनूंगी और बच्चों का रिएक्शन मतलब बन गई हूँ और बच्चों का रिएक्शन देखूंगी कैसा है। उनकी गली तक मैं पहुंच चुकी हूँ। बस हाँ, मैं हरिद्वार से नजियाबाद, नजियाबाद से कोटद्वार और बस कोटद्वार में दीदी के घर। यार बच्चों के बिना दिवाली मनाना थोड़ा मेरे को अजीब लग रहा था, इसलिए मैं सोचा जब तक विशु सो रहे हैं तब तक मैं ये ढेर सारे बच्चे भी ले आऊं जो कि बहुत 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 प्यारे हैं। बस अभी देखते हैं उनको कि वो मुझे देख के खुश होते हैं क्या बोलते हैं। मौसी आपको छोड़ थोड़ी सकती थी, आपके बिना कैसे मनाती। चलो चलो जल्दी से रेडी हो, हमें निकलना है। ये देखो रोने वाली कौन सी बात है, तुम्हारी मौसी है ना बिल्कुल माँ जैसी है, तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। हाँ चलो गाइस मैं इनको रेडी कर देती हूँ। देखा ना बच्ची कैसे रो रही थी। और देखो ना मैं नहीं पहुंची थी, वो कितना परेशान रहते। अभी वो लोग गए हैं रेडी होने के लिए। गाइस आप ये सोच रहे होंगे मैं ये क्यों नहीं उतार रही हूँ। आपको पता है बुखार बहुत जल्दी से हो जाता है, अगर मैं इसको उतार दूंगी यार गर्म ठंडा लगेगा, तो मैं नहीं चाहती ना कि मेरी भी तबीयत खराब हो जाए। मुझे तो बिल्कुल ओके रहना है क्योंकि कल मेरे बेबी का बर्थडे है और कल दिवाली भी है, सब कुछ अच्छे से करना है ना। और मैं नहीं चाहती थी कि बच्चे परेशान हो बिल्कुल भी। आपको पता है ना एक माँ के लिए उनके बच्चे कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, और दीदी बच्चों को देख के बहुत खुश हो जाएंगे और बच्चे भी मम्मा को देख के बहुत खुश हो जाएंगे। मैं समझ सकती हूँ माँ का और बच्चे का प्यार क्या होता है। और जब हमने डिसाइड कर ही लिया था कि हम साथ में दिवाली मनाएंगे तो हम साथ में ही मनाएंगे। तो अभी मैं बच्चों को रेडी कर लेती हूँ, जरा देख लेती हूँ क्या क्या पहन रहे हैं। एक गुड़िया और आ गई है मेरी, देखो मेरे तुम्हारी छब के लिए। हाँ। ये मेरे लिए अच्छी थी। गाइस बच्चे रेडी हो चुके हैं और आप सबको मेरे तुम्हारे सब के लिए हैप्पी दिवाली। अब हम मिलते हैं नानी के घर। बाय। क्या हो रहा है परी आपको? क्या हो रहा है, सुन नहीं बैठ सकते हो? वीडियो बन रही है आपकी? रुकवा दूँ मैं, रुकवा दूँ। परी को गई गुस्सा आ रहा है। परी बोल रही है परी को गुस्सा नहीं, परी को गुस्सा आ रहा है। परी कह रही है मुझे फोन चलाना है, है ना, है ना परी? तो ये किपे थे ना पुलिस स्टेशन।
साथ आपने देखा मैं हॉस्पिटल लेके गई थी बच्चों को मम्मी से मिलवाने के लिए। गाइज मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं चाहती हूँ सब लोग खुश रहें, हैप्पी हैप्पी रहें। क्या रखा है दुनिया में, प्यार ही रखा है, तो बस फैमिली को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। मैं चाहती हूँ ना सब लोग बस खुश रहें गाइज, और इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। और दो दो जने हैं जो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मेरा भाई और मेरे हब्बी, जिनको अभी पता नहीं है। वो पता क्या, जाने के लिए मना नहीं करते बट वो सोचते हैं कि मैं परेशान ना हो जाऊं, तो मैं परेशान नहीं हूं, मैं बच्चों को ले आई हूं। आप देख सकते हो उनकी मम्मी भी खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं, हम भी खुश हैं। तो अश्मित जी अभी आने वाले हैं तो मैं जाती हूं उनको लेने के लिए। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय। देखा मेरा प्यारा बच्चा।